अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि शायद सोशल मीडिया के थ्रू मेरी आवाज़ साहिल लोधी साहब तक पहुँच जाए, जो पाकिस्तान के लगता है वाहिद सच्चे पेट्रियाट इंसान हैं और बाकी सारे यहाँ पे चूरन बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं मेरी समझ से बाहर है। एक गेस्ट को प्रोग्राम में बुला के जलील करना वो सब तो अलग बात है, वो हाईली कंडेमनेबल, हाईली कंडेमनेबल। एंड दैट गर्ल शुड totally if she's listening to this should totally take him to the court and she should seriously press charges against him. Lekin jis Pakistan se wo itni mohabbat ka izhar kar rahe hain aur jis Pakistan ke wo geet ga rahe the, mujhe to yakeen nahi aa raha tha ki wo yahi Pakistan hai jo hum aajkal dekh rahe hain. Aur Qaid-e-Azam ko kaise lalkara, kya ya whatever, aap did you even try to make sense to yourself? Whatever you were saying, Zahir Lodi, the girl said, Qaid-e-Azam, aao zara tum dekho apna Pakistan. To kya aaj ye Pakistan wahi Pakistan hai jo Qaid-e-Azam ne hasil kiya tha, jo hamare liye choda tha? Aaj yahan pe kisko azadi hai? शिया इमाम बारगाहों में जाते हैं तो अपने बच्चों की, अपने भाइयों की, अपने बाप की लाश लेकर घर आते हैं। अहमदी किसी को सलाम कर ले तो जेल में सड़ता है सारी जिंदगी। शिया डॉक्टर बन जाए तो उसको सारी जिंदगी ये ही खतरा रहता है कि मुझे कब टारगेट किलिंग में मार दिया जाएगा। क्रिश्चियंस के गिरजा घर जला दिए जाते हैं, हजारों को आइडेंटिफाई करके बसों से उतार के गोलियां मारी जाती हैं, उनकी औरतों के साथ ज्यादती की जाती है, उनके मर्दों को शहीद किया जाता है। हिंदूस की फोर्स कन्वर्जन होती है, कितने मशल खान हैं जो हमारे हाथों भेंट चढ़ गए और हम खामोश तमाशाई थे। ये है पाकिस्तान की हकीकत। और उस शो में जितने लोग खामोश बैठे थे, मुझे तो बहुत अफसोस है उन सबके ऊपर कि ये इंसान अपनी जहालत बकता रहा और कोई इसको चुप कराने वाला नहीं था। दिस इज एक्सट्रीमली रिडिक्युलस एंड दिस इज व्हाट पाकिस्तान इज, टू बी ऑनेस्ट। दिस इज व्हाट्स द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान, कि जिसकी जो मर्जी आए उठ के करता है। तभी क्रिश्चियन कपल को भट्टी में डाल के जला दिया जाता है और लोग नारे तकबीर लगा रहे होते हैं। मशल खान को जिस तरीके से शहीद किया गया और कोई बोलने वाला नहीं था, ये है पाकिस्तान। और उस लड़की को उस शो के अंदर जलील किया जा रहा था और सब खामोश बैठे थे, ये है पाकिस्तान। सीरियसली, शेम ऑन यू। कायदे आजम वुडन्ट हैव बीन प्राउड इफ ही वाज हियर टुडे। सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। रात को मैं एक वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया पर, आजकल काफी वायरल हुई भी है, वो है कि उसका कैप्शन है कि साहिल लोधी बैश अ गर्ल ऑन लाइव टीवी, इंसल्टेड अ गर्ल ऑन लाइव टीवी। अब साहिल लोधी साहब का एक रमजान के हवाले से प्रोग्राम चल रहा है, उसमें सेगमेंट है जिसमें डिबेट्स की जाती हैं। तो एक खातून आई, एक लड़की आई, उसने डिबेट शुरू की वुमेन राइट्स के हवाले से, और उसमें उन्होंने एक जुमला बोला कि कायदे आजम आओ जरा देखो अपना पाकिस्तान। और साहिल लोधी साहब ने कहा, साथ ही बोला कि आपने ललकारा है कायदे आजम को, किस तरह से जुर्रत हुई आपकी और बेइज्जत कर दिया उसको, उस खातून को। मगर उस जुमले का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि ललकारा क्या था कायदे आजम को, उसका मतलब ये था कि कायदे आजम कितनी मुश्किल से आपने ये पाकिस्तान बनाया और अब देखें इस मुल्क में कौम की बेटियों के साथ क्या हो रहा है। इस बात की समझ साहिल लोधी को तो नहीं आई क्योंकि उसकी अकल इतनी कम है, वो जाहिल आदमी, उसको ये बात समझ में नहीं आई और उसने रेटिंग के चक्कर में एक खातून को लाइव टीवी पे बेइज्जत कर दिया। भरी आवाम के सामने उसने एक खातून को, जो कि बात भी खवातीन के हुकूक के बारे में कर रही थी, उसको बेइज्जत कर दिया। तो मेरा नहीं ख्याल अब वो खातून दोबारा से कहीं पर आवाज उठा सकेगी, खवातीन के हुकूक के बारे में बात कर सकेगी, क्योंकि हमारा मुआशरा भी साहिल लोधी जैसों के पीछे लग जाता है और वो यही कहेगा कि हाँ इस खातून ने ललकारा है कायदे आजम को, गुस्साखी कर दी है और ये वो, और पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। मगर मेरा ख्याल है कि हमें इस तरह के जाहिल लोगों के खिलाफ यक जुबान हो जाना चाहिए और इन पर पाबंदी का मुतालबा करना चाहिए कि हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि इस तरह के जाहिल लोग, जिनकी समझ में कुछ नहीं आता, जिनके पास अकल नहीं है, उनको बस शाहरुख खान बनना है तो वो शाहरुख खान बने,
कहीं और जाकर बने, लेकिन ये रमजान ट्रांसमिशन में खवातीन को इस तरह से बेइज्जत ना करें। तो मैं मुतालबा करूंगा और मैं चाहूंगा कि आप ये वीडियो शेयर करें जितनी कर सकते हैं, और मैं चाहूंगा कि वो खातून, मैं नहीं जानता कि वो औरत कौन है, वो खातून, वो लड़की कौन है, वो भी अगर उस तक ये वीडियो पहुंच जाए तो मैं चाहूंगा कि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपनी सफाई दे, क्योंकि साहिर लोधी ने तो उसको बोलने की बात में इजाजत नहीं दी, वो तो यही कहती रह गई कि मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा ये मतलब नहीं था, मगर उस शाहरुख खान, 2 रुपए के शाहरुख खान ने उसको लड़की को बोलने की इजाजत नहीं दी। तो मैं चाहूंगा कि वो लड़की भी सोशल मीडिया पर सफाई भी दे अपनी आके, और बेइज्जत भी करे उस साहिर लोधी को जिसने भरी महफिल में उस खातून को बेचारी गल करना चाहती है, और मेरी भैन तू मेरे पेज से रब्ता कर, मैं तेरी आवाज पूरी दुनिया चलावांगा, तू मेनू वीडियो सेंड कर मेरे पेज से, मैं तेरी वीडियो पूरी दुनिया चलावांगा, पूरा पाकिस्तान देखेगा, ऐ तेरा ताक है ना पोलर कार्ड, तू वीडियो मुन कोशिश कर, मैं तेरी वीडियो पूरा पाकिस्तान देखेगा, ताहिर लोधी बंदे का पुत्र बन जा, आर गलत इशू ना चुका कर, बाद आ जा, पता है ना मनु मेरा, मैं कौन हूं, पता ही मेरा।